DGX. See, waking up at 10:30, 11 is far better than waking up at 1:30, 2, 3, or 4 PM. है ना? It's better हम AM वाली category में उठे rather than getting up in the PM वाली category. But still, that doesn't make a difference. ये vlog तब भी late गया. But never mind. Let's go down. सारे दोस्त नीचे वेट करें, भी जस्ट व्लॉग अपलोड करें. नाउ लेट्स गो डाउन. आज अपनी ट्यूशन भी है एंड हाँ, सोली पढ़ाई करेंगे. कल भी मिस कर दी थी हमने. जेन्युइन बात बोलूंगा, मिस कर दी थी तो कर दी थी, झूठ नहीं बोलूंगा मैं. हो गई मिस तो हो गई, कोई बात नहीं. अभी जाते नीचे जरा, सारे ये जो है जो सब आ रखे वेट कर रहे हैं, कह रहे जल्दी आ. तो जरा नीचे होके आते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से. क्या बातचीत. अरे यार, हमारा रूटीन हो गया रोज का, मतलब दिन में एक घंटा मिलना है हम सब ने. और क्यों, बस ऐसी दुनिया भर की बात है. मतलब शाम को तो मिलते हैं, लेकिन दिन में भी मिलना है बस. क्योंकि यार फिर यही अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना कि सबके पास कुछ लास्ट दिन बचे हैं यहाँ पे, फिर सबने निकल जाना है, किसी ने रहना नहीं है यहाँ पे. ठीक है, तो फिर जितना टाइम स्पेंड हो सके साथ में कर लो, क्योंकि फिर बात का किसी को नहीं पता कि उसके बाद हम कब मिलेंगे. ठीक है, अगले 3-4 महीने में. तो इसलिए इसी माइंडसेट से हम रोज 2 से 3 बार मिल रहे हैं दिन में, विच इज गुड. कोई दिक्कत नहीं, इसी बात पे अपना ब्लॉग भी बन जाता है. गुड मॉर्निंग टू यू ऑल. हाँ, आप लोगों के लिए गुड मॉर्निंग है, गुड आफ्टरनून, जो भी जब भी ये ब्लॉग आया होगा. बट हाँ, जो भी है आप लोग, हेलो. कल घर वालों से बातचीत हुई है मेरी एंड फ्लैट रिलेटेड ही. आई गेस मैंने डिस्कशन कर लिया पहले ब्लॉग में, बट अगर नहीं करा तो एक और बार मैं कर देता हूँ कि मैं मुंबई में जो फ्लैट लेने की सोच रहा था, फर्स्ट आई वॉज थिंकिंग टू गो फॉर 1 BHK और स्टूडियो अपार्टमेंट सोलो के लिए ना. बट अब मेरा वो प्लान बाउंस ऑफ हो गया, क्योंकि मैं अकेले रह गया ना, मर सा जाऊँ. मर इन द सेंस बहुत लोनलीनेस सा रह जाएगा यार. मैं वैसे ही अपने कमरे में ही रहता हूँ तो तब भी मेरे को अकेलापन सा लगता है. वहां रह के पूरे घर में अकेला रहना ना, वो बहुत लोनलीनेस सा हो जाएगा. ऑल्दो आई लेट माई फ्रेंड्स कम ओवर, जो भी वहां बनेंगे और जो भी वहां है फिलहाल निष्ठा है, सब आएंगे. बट चल भाई, वो भी कितना आ जाएंगे, तो एक लिमिट पे तो मैं अकेला ही हूंगा ना. रात में तो अकेला ही सो रहा हूंगा, तो वो रहेगा. मतलब अरे, वो किसी के साथ शेयरिंग में भी रहूंगा, बट ऐसा रहेगा ना शेयरिंग में कि भाई चलो, देयर इज समवन टू, इफ आई एम सिक और समथिंग, देयर इज समवन टू टेक केयर ऑफ मी. अब जब मैं अकेला हूंगा तो अकेले ही मेरे को सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी. बट दैट्स अ स्ट्रगल ऑल्सो, हम वो स्ट्रगल फेस भी कर लेते हैं. बट ऑनेस्टली, अगर मेरे पे ऑप्शन है कि मैं 2 BHK में शेयरिंग रूममेट के साथ रह सकता हूँ, सो व्हाई नॉट टेक दैट ऑप्शन एंड बी अ लिटिल हैप्पी विद दैट एंड मेक योर लाइफ अ लिटिल इजियर ऑन दैट साइड. लिविंग विल स्टिल, हम तब भी अकेले ही रह रहे, ऐसा नहीं हम वो मतलब क्या बोलते हैं, अकेले नहीं रह रहे, अकेले तब भी रह रहे. बट जस्ट दैट कि कुछ पॉइंटर्स में पॉजिटिव साइड हो जाएगी अकेले ना रहने की, हो जाएगी. मतलब समझ रहे हो ना आप पॉइंट. हाँ, तो उसके ऊपर ही डिस्कशन चला है कल, फ्लैट फ्लूट के ऊपर, कैसे कौन सा लेना है. तो फिलहाल तो यही हो रही है बात. सबसे पहले डिसाइड करा गया था मेरा, जो कॉलेज से भी ऑप्शन मिला था, जो मेरे कॉलेज वाले दोस्तों ने भी ऑप्शन दिया था, जो उधर मेरे सीनियर है पूरा नोएडा के, अपने उन्होंने भी कहा था भाई इधर ले लियो. तो उनसे भी डिस्कशन चला है. मैंने कहा यार, तुम एक आधा रूममेट बढ़िया से दिला दो, जेन्युइन इंसान, तो बढ़िया ही रहेगा मेरे को भी. मेरे को चाहिए मास्टर बेडरूम, और यही होता है मास्टर बेडरूम में जल्दी ऑक्यूपाई हो जाते हैं. तो ट्राई तो ये रहेगा मास्टर बेडरूम में मिले, बाकी है कहाँ, चलो देखते हैं. और क्या, मैं भी बहुत हबड़ तबड़ में बोल रहा हूँ, बट ठीक है, चलता जी चलता. यार मैंने अभी तक एज पर द लॉबी शूटिंग फॉलोअर्स भी गिर रहे हैं मेरे. कहा मेरे 35, ऑलमोस्ट 35K हो गए थे, ऑलमोस्ट 35K, 33K से मैं तब से डाउनर पे चल रहा हूँ, अब 30K हो गए. और मेरे को लग रहा है अभी भी और गिरेंगे अगर मैं एज पर द लॉ नहीं डालूंगा. आज कोई और रील जा रही है, कल एज पर द लॉ डालनी पड़ेगी एट एनी कॉस्ट. अब मैं दिन में शूट करूँ, रात में शूट करूँ, आई डोंट केयर, मेरे को कल के कल एज पर द लॉ डालनी ही डालनी. हाँ हाँ, क्या कह रहा था, क्या कह रहा था, क्या कह रहा था, क्या कह रहा था, 50 कैरेट कार्ड है, 50. अबे ये मेरे घर पे 6 साल से पड़े हैं, ले जा. ओ भाई, ले जा, ये मत डालना भाई. जो हरकत कर रहा तो फालतू किसका, क्या ये कौन मीठे जा रहे सामने है? देख, पेमेंट तक नहीं करी. हाँ, तू क्या फालतू बोल रहा था. सॉरी बोल, कान पकड़ तेरी. तुमने जो स्नैप फेसबुक पे डाली है वो बताऊ मैं, और जो तेरा और जो तू काले कच्चे में अपने घर में घूम रहा था अभी, इसकी ये काले कच्चे में घर में घूम रहा, लाल कंबल अपने ऊपर डाल के, इसकी वीडियो बन गई भाई, ऊपर से देख रहा तुझे. वो छोड़, इसके अकाउंट का पासवर्ड भी पता चल गया, इसका डेट ऑफ बर्थ और स्टार्टिंग लेटर आर से. और चीजें बताओ. और भाई ने आज स्नैपचैट डाउनलोड करा, स्नैप जो उसने डाली वो फेसबुक पर डल गई, अपने पापा की बोतलों की स्नैप भेज रहा था फेसबुक पर. और तीसरी बात सुन, तीसरी सबसे मस्त बात, भाटी का अकाउंट डिलीट मार दिया मैंने. कौन सा वाला भाई, अभी तो डाली थी मैंने यार. 5 मिनट बाद डिलीट मिल जाएगा. तू ये टोपी उतार के बोल, हिम्मत नहीं है तेरे में, मुंह छुपा रहा है. चोरी करता है. चोरी करेगा दुकान में आके हैं. भाटी ये ले ले, ओए पकड़ ऐसे पकड़. भाटी ये लेगा, तेरा काम आएगी ये, भाटी का काम बहुत आएगी. मैं यूज करता हूँ ये वीट, लड़कों वाला. अच्छा लड़कों वाला, हाँ देन गुड. मेरे को भाटी लेडीज वाला करता है यार.
देखो ना तभी उसके हैंड इतने चिकने हैं। अरे बउआ मैं मार दूंगा बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा थोड़ा कम क्यों नहीं मारेगा, ज्यादा मारेगा और क्या। अरे यार बात ही बता यार, मेरे को गेट से डर लगता है गैंगस्टर से। अच्छी बात है, डरना भी चाहिए। ऐसी बात है, मैं दूंगा कंटेंट। काला कच्चा, काला कच्चा, लाल कंबल। कौन ये व्यूज? तब भी नहीं आ रहे पैसे, तब भी नहीं आ रहे। मैं बता रहा हूँ जो है भाई, देखो सुनो सुनो, आज मैं ये बात, एक सेकंड कैमरा यहाँ रखने। तो दोस्तों इधर आओ, दोस्तों इधर आओ, सारे आओ। अरे एक बार आ जाओ। अरे कहाँ गया, रुको। देखो ये लोग मेरे को कुछ भी बोले चलता है, लेकिन तुम में से कोई फालतू बोलेगा नहीं चलता, जो मेरे दोस्त नहीं है। कब 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 पूछा, कब पूछा। देखो ये सब चलता है अपने पीछे, भाई लोग है, भाईचारा ये। चल कुछ भाईचारा नहीं है, भाग जाए ऐसे। सही में भाई अलाउड नहीं है यहाँ पे शूटिंग है। अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं, दुकान बंद हो जाएगी। वो देखो क्या बोल रहे हैं, चाटा चाटा मारे इस बात को। दुकान बंद करा दूंगा। हेलो भाई, भाइयों के साथ थोड़ी देर हैंग आउट करके नाउ लेट्स गो होम। होम जाके नहाते धोते हैं, रेडी होते हैं क्योंकि ट्यूशन अभी थोड़ी देर में। रील तो रात में शूट करूंगा एज पर द लॉ ना, रात में शूट करने का लगे। मैं दो दिन से बोल रहा हूँ एज पर द लॉ शूट करनी है। अब बताओ ये क्या होता है कि मैं ना, जैसे मैंने परसों जो रील डाली, परसों के बाद मैंने कल रात को 12 बजे भी डाल दी, तो वो ना कंपनसेट हो जाता है। इसलिए मैंने कल दिन में कुछ पोस्ट नहीं करा क्योंकि एक रील जा चुकी थी। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि दिन की 2 डालना चालू कर दूं फॉर द रीच गेम सोशल मीडिया। वही हो रहा है भाई, यही, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं रहा। मतलब जो मैं बात करना चाह रहा हूँ ना उस पर मैं खुद हिपोक्रेट हो रहा हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरा भी मतलब गेम यही है। ठीक है यार, कुछ नहीं होता, डालते हैं एज पर द लॉ, करते हैं वायरल एज पर द लॉ के बिना के जीवन। भाई वी ओ अलॉट टू द एज पर द लॉ। जब तक कुछ नया ट्रेंड नहीं मिलता तो एज पर द लॉ खींचते हैं एडवाइस में। ऐसा रहा आज एनुअल डे का प्रैक्टिस। वो तो पापा को, मम्मा पापा के लिए इनविटेशन आ गया। मेरे लिए नहीं आया? नहीं। मतलब मैं नहीं आ सकता? आ तो सकते हो, पर आपका नाम ही नहीं है। अरे यार फिर अब कैसे करेंगे? वैसे आ सकते हो, गला खराब हो गया ना। और खाओ गोलगप्पे, ओल अपे एल उड़ी खाई थी ना आपने। खा पियो पियो, दवाई पियो मैडम, दवाई पियो। वेरी गुड, कड़वी तो एक्सपायर्ड थी ना। ज्यादा मीठी। और बताओ मोटू, हाउ वाज योर डे, कैसे आपके स्कूल वाले बॉयफ्रेंड, वो भी आपके प्रैक्टिस में। अगर कोई भी लड़का स्कूल में तेरे पास आया तो मेरे को बताइयो, उसकी हड्डी पसली एक मैं करूंगा, तेरा भाई। बट अगर आपको कोई बॉय परेशान करे कुछ भी करे ना, सबसे पहले वंश भैया को बताना है। अच्छा मेरे को कुछ और सुनाई दिया, बट नेवर माइंड। आई हर्ड सम शी सेड वो बहुत पुच्ची करता है, मेरी हट जाती है। बट ठीक, कोई गंदी बात तो नहीं करता ना, पर वो परेशान करते हैं क्लास में। तो एक काम करो, कल जाके चाड़ा मार देना, डरना मत, बोल देना मेरे ऊपर वंश डॉन का हाथ है। हमारे जो क्लास टीचर को सरप्राइज करना, पता है क्या हुआ हमारे साथ? एक बच्चे ने, उसने अपने दोस्त को बताया, उसके दोस्त ने दूसरे दोस्त को बताया, तो पूरी क्लास को पता चल गया और प्लान खराब हो गया। मैम को भी पता चल गया। हाँ गंदे बच्चे है ना ये, पिटाई लगाने का मन करता ना गुस्सा मार दूं। हमने उसको बोला हमारा पूरा प्लान खराब, हम नई टीम बनाएंगे। लेकिन आपको गुस्सा तो आता होगा स्कूल में दोस्तों के, आता ही नहीं आता तो मारने का मन करता है? इतने तो भोले नहीं हो आप। कल मुझे स्कूल जाना है महाशिवरात्रि के दिन। मत जाओ कल, मत जाओ, जाना है सीनियर विंग। मत जाओ, जरूरी नहीं, कल वीकेंड एंजॉय करो। बंजा मेरी कॉस्ट्यूम मिलेंगी एनुअल डे की, फिर नहीं मिलेंगी, जाना पड़ेगा। अरे यार नीचे टी शर्ट, फिर ये और बूट्स, मतलब वो बूट कट पैंट्स और बूट, चलते हैं। चलो स्पेक्स भी ले लेता हूँ, शेड्स लेके चलते हैं क्योंकि इसके बाद बहुत सारे काम है। इसके बाद ट्यूशन का डायरेक्ट जाना है मेरे को, पहले अपना डेंटल काम के लिए, डेंटल के काम के मेरे को, फिर आज हेयर कट भी लेना है, आज थोड़ा नया करवाऊंगा तो इसलिए। अरे हम तो ऐसे जाए ना, उसको दिक्कत है, वो साइड से चले है। सॉरी भाई बट हम ऐसे चले भाई। यार फेस फैट, यार मुंबई जाने से पहले मेरा बहुत मन है फेस फैट खत्म कर दूं, बट करता हूं कि नहीं वो तो आप देखते रहोगे। हां एंड एक और चीज, इस व्लॉग के बाद सिर्फ और सिर्फ 18 डेज बच जाएंगे बिफोर वी मेक द वर्ल्ड रिकॉर्ड, द फर्स्ट इंडियन यूट्यूबर एंड द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया टू डू 1000 डेली व्लॉग्स। कर रहे हैं भाई, वंश गई नाम याद रखना, आज नहीं तो कल सुर्खियों में आएगा, फेमस हो गया है जिसने ये रिकॉर्ड बनाया था। मेरे को पता है मेरे नाम का रिकॉर्ड कोई और लेके जाएगा, बट यू नो द ओजी पर्सन जिसने रिकॉर्ड क्लेम करा है, तो अगर कल को कोई और रिकॉर्ड ये क्लेम करता है ना, तो मैं पता उनके कमेंट सेक्शन में जाकर क्या भर देना है, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया टू डू दिस थिंग, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन यूट्यूबर
टू कम्प्लीट 1000 डेली व्लॉग्स। हेलो भाई, डन विद ट्यूशन। बहुत अच्छे से पढ़ाई करी हमने। एक साइकोलॉजी के एक चैप्टर का सैंपल पेपर पूरा कंप्लीट कर दिया खुद से। वैसे तो हम हेल्प लेते थे, क्या बोलते हैं, आंसर की, बट चैप्टर पढ़ा हुआ था तो इजीली हो गया। हाँ, एक आधी बीच में हेल्प ऐसे नहीं लेनी तो पड़ी बीच में एक दो क्वेश्चन के लिए, लेकिन 95% खुद से करा, तो दैट्स अ गुड प्लस पॉइंट। बट ठीक है, अब जाते हैं अपना डेंटल अपॉइंटमेंट, देन हेयर कट अपॉइंटमेंट। दोनों अपॉइंटमेंट है अपने पास, दोनों करके आते हैं। बाल अब नया स्टाइल, मतलब ऊपर से नहीं कटा रहा ऑब्वियसली, ऊपर से तो पढ़ा ही रहा हूँ मैं फिलहाल, क्योंकि वापसी बढ़ा के कॉलेज जाने से पहले मैं शायद से वापसी कर्ल्स करा लूँ, क्योंकि मेरा मन कर रहा है कर्ल्स करा के मुलेट करा लूंगा। मन तो यही हो रहा है कॉलेज जाने से पहले कर्ल्स करा लूंगा, तो उसके लिए मैं थोड़ी और लेंथ बढ़ा रहा हूँ। अभी इतनी है, अभी और बढ़ेगी, देन कर्ल्स कराने में ईजी हो जाएगा। यहाँ तो घुसते ही हमेशा का हो गया, हमेशा का घुसते ही कैसे भी कपड़ों में आओ स्पा वाले बोलते सर, मेरे को पता है ना स्पा के नाम पे अंदर क्या चल रहा है। वैसे कोई अगर पुलिस वाला देख रहा है, या बाद में फ्यूचर में अगर ये ब्लॉग कभी उठता है या मेरा चैनल उठता है, और बाद में अगर ये आप लोगों की नजर में आ रहा है, नोएडा सेक्टर 18 की बिल्डिंग में, लेंसकट की बिल्डिंग में, जो स्पा के नाम पे गलत काम होते हैं, स्टिंग ऑपरेशन कर लेना यहाँ पे बेस्ट है भाई। जो चीज़ लीगल नहीं है वो लीगल तरीके से इलीगल एक्टिविटी होती है यहाँ पे। स्पा के नाम पे कुछ और ही हो रहा है, बैंकॉक बना रखा है इन्होंने, देख लो भाई। मैं कुछ नहीं कह रहा। चलो भाई, हो गया अपना डेंटल वाला काम भी, ज़्यादा कुछ नहीं। नीचे में जो चेन लगाई थी वो चेंज करनी थी इन्हें, वो नॉर्मली जनरल चेकअप में का पार्ट था, वो हो गया। मेजर कुछ नहीं है, मेजर अब जो मेजर होना है ना, अब तो सिर्फ इसकी वही, मतलब इसकी चेन टाइट होती रहेगी नीचे वाले की, क्योंकि नीचे वाले की गैप तो फिल करनी है। जो मेन है ना अब इसका है, अब इसकी ना टिप नहीं मिल रही है अब, क्योंकि हड्डी फंसा वो, जब तक वो शेप बना के नीचे नहीं आएगा ना तब तक कुछ हम कर नहीं सकते। अब लेट्स सी, ये ऊपर वाला ही ले रहा है जो टाइम ले रहा है, नीचे वाले का भी इतना कुछ मतलब सीन नहीं है जितना सीन ऊपर वाले का। सो नाउ वी कैन जस्ट वेट एंड वॉच। इतना तो शॉर्ट ही मिल गई, कॉलेज जाने से पहले तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। बहुत 1% चांस ही है जो कॉलेज जाने से पहले, अगर किस्मत अच्छी हुई 1% चांस, अगर हल्की सी भी टिप देगी तो मिल जाए तो कर देंगे, वरना कॉलेज जाने से पहले तो होने से रहा अभी है। आज काम सारा टाइम पे हो रहा है, फुल VIP ट्रीटमेंट है, सारी सीट फुल है, तो अलग से सीट लगा दी ये कल्ले शीशे के सामने, काम पूरा होगा। लेकिन अच्छा नहा के आया तो हेड वॉश की जरूरत नहीं, वरना पड़ जाती है। गरम गरम वैक्स लगा दी नाक पे, बताना ब्लैक हेड हटाने के लिए। अगर मेरी नाक छिलती कुछ होता है इसका जिम्मेदार चांद यादव होंगे भाई। जेन्युइनली मतलब अच्छे लग रहे हैं, मजाक चढ़ के खिल गया चेहरा वापसी। अब वही होता है, यहाँ से तो खिल के जा रहा है चेहरा, अगर जाते जाते नाश पड़ जाएगा, बट नेवर माइंड। डन विद द हेयर कट, फ्रेश ग्रूम हो गए मस्त अपना, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। पूरी क्लीनिंग सीलिंग भी हो गई अपने चेहरे वेहरे की भी। अब घर जाते हैं, चिल करते हैं, और बढ़िया बालों में आज बढ़िया रील भी बना देंगे। और इसी बात पे अगले फ्रेम में आपको 2-3 फोटोज दिखेंगी। या आई वॉज एट अंबानीज वेडिंग, मैंने व्लॉग नहीं करा वहाँ पे ऑब्वियसली, मैं प्री व्लॉग्स बना के गया था, तो आप फोटोज देख लो। ये ले रहा था GC पे, अबे पुराना कवर है। हाँ जी, अबे भाई मम्मी के कपड़े बदलवा लो। अबे यार तू क्या आदमी है यार, काम यार कैसा काम है तू, देखे ये कर रहा चले कहाँ चल, पिटने वाले काम नहीं करता ये। आजा वट्स तू आजा, हम ये दो अच्छे लौंडे भाई, फ्रेश हेयर कट भाई, इनको थोड़ा समझ में आएगा। ये जाहिल, अबे ये जाहिल लोग, इन्होंने हद तक अच्छी जगह से बाल नहीं कटाए ना। जीसी में मजा आया था यार। अरे भाई मैं तेरे को बता रहा हूँ, वॉशरूम में जब तक चैट चल रही थी ना, जब तक चैट खत्म नहीं है, जब मैंने चालू करा चैट, जब चालू करी तब से लेकर एंड तक एक घंटा मैं वॉशरूम में पॉट में बैठा हूँ बस, और बढ़िया प्रेशर ऑन में। मैं पढ़ाई करने नहीं कर पाया, मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। अरे गलत मैटर भाई, मैं जल्दी घर जा रहा हूँ आज, क्योंकि मेरे को शूट करनी है वीडियो। मेरे को पता नहीं आज एक्साइटमेंट सी हो रही है मेरे को, एज पर शूट करने के उसमें, तो आज शूट कर दो, आई होप बढ़िया बन जाए। मेरे दिमाग में मतलब कॉन्टेक्स्ट तो है लेकिन स्क्रिप्ट नहीं है, और अगर स्क्रिप्ट नहीं है तो थोड़ा मैं सब हो सकता है, बट वी कैन डू इट। इतना कुछ लोड नहीं है मेरे को। मैं पहले लाइव जाके करता था फिल्टर लगा के उस पे, उसके बाद मैं एज पर द लॉ मैंने फिर नॉर्मल कैमरा से करने लगा, क्योंकि लाइव जाके मेरे को लगता था लोगों को आइडिया एक्सपोज हो रहा है, बट लोग एक्साइटेड भी उस चीज से होते थे। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं लाइव जाके इसे करूँ, या मैं एज जो मैं नॉर्मल रिकॉर्डिंग करता हूँ सोबर रिकॉर्डिंग वो करूँ, क्योंकि लाइव जाके अब आइडिया लीक हो जाएगा ना, तो वो ना फिर इंटेंसिटी, अब मेरे को नहीं लगता एट दिस पॉइंट अभी वो थोड़ी ऑडियंस है ऐसी इंटेंसिटी वाली, कि वो तब पीक पे था तब बहुत रीच थी चल रही थी, अभी भी है ऐसे नहीं, अभी भी इट्स अ डिसेंट रीच, बट आई डोंट नो, आई एम क्वाइट डाइस अबाउट इट।